एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह गांव से मिलने वाली भिक्षा से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि उसे अपने बेटे की भूख प्यास देखी जाती है, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि भाग्य को बदलना मुश्किल है। ब्राह्मणी ने कहा कि उन्हें अपनी कुछ कोशिशें करनी चाहिए और वह अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उसने ब्राह्मण से कहा कि उसे परदेश में जाना चाहिए और वहां अच्छी आय कमाकर अपने परिवार की मदद कर सकता है। ब्राह्मण ने उसकी सुनी और दूसरे नगर में गया, लेकिन वहां उसका कोई सौभाग्य नहीं बदला। ब्राह्मण ने आकर यह समझा कि उसका गांव ही अच्छा है और उसने फिर से भिक्षा मांगना शुरू किया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसके पास गुजरे। उन्होंने उसकी स्थिति देखी और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें इस ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। भगवान शिव ने ब्राह्मणी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक ईंट डाली और उसे कहा कि उसको आंखें बंद करके चलना है और जब वह बहुत दूर जाएगा तो वह अपनी आंखें खोल सकता है। ब्राह्मण ने यह किया और जब उसने आंखें खोली तो उसने एक सोने की ईंट देखी। उसका भाग्य बदला और वह धनवान बन गया। लेकिन उसकी पत्नी, पुत्र और ब्राह्मण पुत्र ने भी वर मांगा और भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी की। इससे सब खुश रहने लगे और उन्होंने समझा कि भगवान के लेख में सब कुछ निहित है और भाग्य को बदलना संभव है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।